हेलो नमस्कार, आज लेक्चर नंबर 5 फॉर द फुल ईयर सीरीज एस टिल 4 लेक्चर इज कंप्लीटेड. प्लीज वॉच फर्स्ट देन 4 लेक्चर्स इन सीरीज सो यू कैन गेट मोर आइडिया अबाउट द दिस वन. सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कोसाइन सीरीज या तो साइन सीरीज, इनका मतलब क्या है, इन्हें एक तरीके से हाफ रेंज सीरीज भी बोल सकते हो, हाफ रेंज सीरीज वो एक्चुअली होती क्यों है. जैसे ही हम बात करें कि लेट सपोज एक फंक्शन था माइनस पाई से पाई तक, सपोज लेट एक्स स्क्वायर है. सो अगर एक्स स्क्वायर फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर आपके पास होगा इवन, तो इस कंडीशन में आपको याद होगा bn विल बी जीरो. bn इज जीरो क्यों होता था, क्योंकि एक जगह पे उनकी वैल्यू प्लस माइनस होने के कारण bn विल बी जीरो. क्यों, क्योंकि bn के लिए कंडीशन थी कुछ इस तरह से थी nx. सो हियर this is the even function and it is odd function. So answer will be this is zero. तो कहने की बात यह है वो कुछ काम तो कर रहा है, मतलब माइनस पाई टू जीरो तक जाने के लिए कुछ काम कर रहा है, बट उतना ही काम वो नेगेटिव डायरेक्शन में जीरो से पाई ले कर रहा है. मतलब क्या हुआ, दोनों का समेशन अगर कर रहे हैं तो वो जीरो आंसर आ रहा है, समेशन करने के बाद जीरो आ रहा है, बट कुछ काम तो कर रहा है. तो हाफ रेंज सीरीज का मतलब यही है कि जो जो फंक्शंस आप फुल सीरीज में फाइंड करते थे माइनस पाई टू पाई, तो आपको क्या करना है फॉर दी हाफ रेंज सीरीज, आपको या तो माइनस पाई टू जीरो से करना है या तो जीरो से पाई करना है, मतलब उनका हाफ लेना है. मतलब देखो यहां पे आप देखोगे कि एक्सप्रेस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एज अ हाफ रेंज. अब कोसाइन की भी बात करूंगा मैं, कोसाइन और साइन की, बट हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन 0 टू 2 दैट मींस इट इज 0 टू 2, बट एक्चुअली इट इज नॉट 0 टू 2, इट इज गिवन एज हाफ रेंज. सो एक्चुअली द टोटल फंक्शन इज मस्ट बी लाइक माइनस टू टू प्लस टू. ये आपको याद रखना है दैट टोटल फंक्शन मस्ट बी इट इज बिटवीन माइनस टू टू प्लस टू. ओके नंबर वन. अब बात करते हैं कोसाइन और साइन की, तो कोसाइन के लिए क्या है और साइन के लिए क्या करेंगे. कोसाइन के लिए इतना ही है, समझ लो कि ये इवन फंक्शन है तो क्या मिलेगा उनके लिए ए जीरो एंड एन, और साइन के लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, ओनली बी एन फाइंड करेंगे. मतलब यहां पे जो आप फंक्शन लास्ट में एक्सप्रेस करते हो तो ए जीरो बाय टू प्लस सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन कॉस एन एक्स हो जाएगा, और यहां पे डायरेक्टली आपको एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स हो जाएगा. तो इतना ही आपको याद रखना है, कोसाइन आया दैट मीन्स ए जीरो और एन दोनों भाई भाई है, और साइन के लिए बी एन. ओके इतना आप याद रखना. तो सपोज यहां पे आपको दिया है कोसाइन, तो आपको फाइंड क्या करना है, ओनली एंड ओनली ए जीरो एंड एन. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम ट्राई करेंगे साइन सीरीज फॉर द सेम एक्सप्रेशन और सेम फंक्शन. चलो तो शुरू करते हैं ए जीरो से. अब आपको मैंने क्या बताया कि जो आपका जीरो इज लेस देन एक्स इज टू, अब इनको कैसे यहां पे एस्टेब्लिश करने हैं, दैट इज द हाफ सीरीज. सो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय टू एज इट इज. आप जैसे ऑड और इवन में जैसे करते थे, ऑड और इवन में जैसे करते थे, जैसे आप ऑड और इवन में करते थे कि क्या करते थे आप कि टू टाइम्स कर देते, देन लिमिट इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो टू टू और जीरो टू फाइव. सिमिलरली हियर यू हैव टू डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय टू, देन टोटल लिमिट इज फोर बाय टू जीरो टू टू एफ ऑफ एक्स इन टू डी एक्स. सो टू डिवाइड बाय इट इज टू जीरो टू टू योर फंक्शन इज एक्स इन टू डी एक्स टू टू कैंसिल आउट. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाय टू जीरो टू टू
2 square by 2, 0 to 2, it will be 4 by 2. The answer is 2. So this is your answer of A0. फिर से मैं बता देता हूं आपको, अब यहां पे आइए, 0 to 2, that is the half series. So what is exactly limit is minus 2 to plus 2. So अब देखिए आप कितना टाइम में चला, minus 2, 0 and 2, then it is equal to 4. So 4 by 2, okay, इतना समझ में आया. जैसे आप odd even में करते थे, limit 0 से 2 या 0 से pi कब होती थी, आप multiply 2 कर देते थे, तो multiply 2 कर दिया. इतना अगर याद कर सकते हो तो आपका काम बहुत आसान है. आपको कुछ याद नहीं रखना है, ना तो half series ना तो full series, बस इतना याद रखना है, cos में आएगा a0 and an, sin में आएगा bn only, okay. ओके अब स्टार्ट करते हैं एन. देखिए जो चीज यहां की थी वही चीज मैं फिर से लिख रहा हूं. 0 से 2 योर फंक्शन f(x) इनटू नाउ लिमिट इज न्यूमेरिकल. वो लेक्चर नंबर 4 या 3 में मैंने बात की थी, अगर लिमिट आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू में आ रही है दैट इज 0 टू 2, तो आप क्या करोगे, cos n pi x by L लिखोगे. और L के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था जो वैल्यू यहां आ रही है दैट इज योर L. सो यहां पे आई है वैल्यू, फंक्शन f(x) इज n pi x by 2. नाउ 2 टू कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज u एंड दिस इज v. सो x इनटू cos का इंटीग्रेशन होगा sin n pi x by 2, it is divided by n pi by 2 minus x differentiation 1 sin ka hoga minus cos n pi x by 2, it is 2 n pi by 2 square, that limit is from 0 to 2. Aap fir se gaur kariyega, 2 यहां पे पुट जैसे ही मैं करूंगा 2 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब n pi और sin n pi will be 0, ओके. और 0 के लिए तो 100% ये 0 होगा. सो आपको इनकी कुछ मतलब रहेगा नहीं, इनका कुछ मतलब नहीं रहेगा, वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हो. ये होगा माइनस माइनस प्लस cos n pi x by 2 n pi by 2 square. सो दिस इज फ्रॉम 0 टू 2. नाउ पुट द वैल्यूज, फर्स्ट 2 जैसे ही पुट करोगे तो क्या होगा, x के बदले 2 पुट करोगे सपोज, तो 2 by 2 कैंसिल आउट. सो n pi cos n pi फॉर द फर्स्ट लिमिट एंड फॉर 0 सॉरी सेकंड लिमिट इज 0, सो cos 0 अपॉन n pi by 2 स्क्वायर. सो n pi by 2 कॉमन है दोनों में, सो यहां पे हुई माइनस वन टू एन, योर ये हुआ आपका 1. सो दिस इज योर एन. सो ये दोनों चीज आपको मिल गई, ए जीरो और ए एन, क्योंकि आपको कोसाइन सीरीज पूछी थी, इसलिए ए जीरो और ए एन ही हम फाइंड करेंगे. सेकंड एग्जाम्पल में हम ट्राई करेंगे साइन के लिए, साइन सीरीज के लिए. यहां पे ए जीरो और ए एन आ गया. अब आपको लास्ट में बस इतना ही लिखना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए जीरो बाय टू प्लस सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी एन कॉस एन पाई एक्स. आपको याद होगा यहां पे लिखा है जो एल था आपका वो टू था, ए जीरो की वैल्यू आई थी टू टू बाय टू प्लस एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी, एन की वैल्यू आ गई है वन अपॉन एन पाई बाय टू स्क्वेर इंटू माइनस वन रेस टू एन माइनस वन इंटू कॉस एन पाई एक्स बाय टू. दिस इज द फाइनल आंसर. ये आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, और हर बार कोई ना कोई हाफ सीरीज के लिए एक एग्जांपल होता ही है. सो आप प्रिपेयर होना उनके लिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना. अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर द सेम फंक्शन वी विल फाइंड साइन सीरीज, ओके. सो सेकंड एग्जांपल विल बी फॉर द साइन सीरीज, सेकंड एग्जांपल फॉर द हाफ वेन, नाउ इट इज गिवन एज साइन, सो यू हैव टू यूज bn, ओके. टोटल फिर से आपको मैं बता देता हूं, 0 से 2 दैट मींस इट इज एक्चुअली माइनस 2 2 प्लस 2, इट इज गिवन एज हाफ, दैट इज व्हाई इट इज 0 टू 2. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 4 बाय
2 0 to 2 f of x into sin n pi x by this is 2. ओके आगे बात कर दी है हमने उनकी. सो दैट इज 2 एंड 2 टू कैंसिल आउट. सो इट इज 1 0 से लेके 2 तक. f of x इज x into sin n pi x by 2 into dx. इंटीग्रेशन के लिए dx जरूरी है. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज ये आपका हो गया u और ये है आपका v. x into sin के लिए माइनस cos n pi x by 2 और डिवाइड में आप लेंगे n pi by 2 माइनस cos का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा sin n pi x by 2 और नीचे डिवाइड में n pi by 2 स्क्वायर. लिमिट इज 0 टू 2. आपको थोड़ी देर पहले ही बताया ये आपका 0 हो जाएगा. ओके चलो तो पुट करते हैं लिमिट्स. उससे पहले जो फंक्शन cos n pi x by 2 डिवाइड बाय n pi by 2 दैट इज फ्रॉम 0 टू 2. अब पुट करते हैं अपर लिमिट दैट इज 2 cos n pi 2 टू कैंसिल आउट हो जाएंगे n pi by 2 माइनस. अब जैसे ही x के बदले 0 पुट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको 0 मिल जाएगा. सो ये 2 टू जा 4 माइनस 1 रेस टू n अपॉन n pi. दिस इज द आंसर फॉर दी bn. सो अगर इनके लिए हम सीरीज लिखते हैं तो सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n pi x by l. l के बदले क्या था 2. सो n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn इट इज माइनस 4 माइनस 1 रेस टू n अपॉन n pi sin n pi x by 2. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द f of x फॉर द साइन सीरीज हाफ रेंज साइन सीरीज. ओके सो आपको इतना ही याद रखना है cos और sin पूछा है. cos पूछा है तो आपको a0 यहां लिख देता हूं a0 और an फाइंड करना है और sin के लिए आपको फाइंड करना है bn. ओके और दूसरी चीज आपको यहां 2 जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको याद करना है. सेकंड थिंग यू हैव टू दिस इज द माइनस 2 टू प्लस 2 सो दैट इज 4 बाय 2 और यहां जो वैल्यू आ रही है 4 बाय 2 दैट इज योर l. इतना आपको याद रखना है या तो आपको सो दिस इज फ्रॉम माय साइड अप टू दिस हाफ रेंज सीरीज. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन या साइन और कॉस फंक्शन में जो भी आपका ये फंक्शन होगा दैट इज सपोज यहां पे साइन एक्स है और ई रेस टू एक्स फंक्शन है ऐसे फंक्शन लेके हम आपके सामने आएंगे. थैंक यू और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा जो काम आएंगे उनको भी. ओके थैंक यू.